रायबरेली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में ढाबे के पीछे मिला अज्ञात युवक का शव। अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने शिनाख्त की शुरू कर दी है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 232 सेमरपहा गांव के पास स्थित है ढाबा शर्मा ढाबा। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। स्थानीय पुलिस जांच में जुटी। शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 232 सेमरपहा गांव का है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विजेंद्र सिंह यादव। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत सभा को। ठीक है, ये एक शव मिला है, क्या है पूरा मामला? सर ये सुबह जो है एक हमारे यहाँ के गांव के निवासी जो है रवि लोहार हैं, उन्होंने सूचना दी प्रधान जी एक जो है आदमी रवि के खेत में मृत पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ आकर के देखा और देखने के बाद जो है मैंने जो है थाना को सूचना दिया। ठीक है, कि यहाँ पर एक आदमी ख़त्म हो गया सर। उसके बाद जो है यहाँ मौके पर पुलिस। आपकी जानकारी में नहीं है कौन है कैसे? नहीं नहीं हमारी जानकारी में नहीं, यहाँ का नहीं, अगल बगल नहीं, नहीं यहाँ पर नहीं, आसपास का नहीं है। अच्छा, कौन सा क्षेत्र लगता है ये? सुबहपुर गांव पंचायत के अंतर्गत आता। ये खेत किसका है जहाँ पे ऐसा पड़ा? ये जो है राजेश बढ़ई का खेत। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो है हमारे ही गाँव सुबहपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, कितने समय आपको पता लगा कि हाँ यहाँ पे सो पड़ा? कितने समय फोन आया ये हमारा? वही 8-8 बजे करीब मेरे पास फोन है।